नमस्कार, मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आज हम बात करेंगे नव वर्ष की। नव वर्ष 2021, हर एक व्यक्ति को इस वर्ष का इंतजार था बहुत ही जी जान से। तो आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए नव वर्ष 2021 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इस वर्ष में आप लोगों के लिए करियर के हिसाब से, यानी करियर आपका इस वर्ष कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आप कोई भी अपॉर्चुनिटी जो बहुत लंबे समय से ग्रैब करना चाह रहे थे, तो ये समय रहेगा जिस समय पर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जिनका इंतजार आप कर रहे थे वो सभी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ करियर में कुछ नई चीजें और भी आ सकती हैं, या फिर हो सकता है अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हो, चाहे व्यापार से संबंधित चाहे कोई अन्य कार्य से संबंधित, तो ये संभव दिख रहा है कि आपका ये कार्य जो है इस वर्ष आरंभ होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप खुद भी हर चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करेंगे, यानी मान के चलें कि आप जो है वर्कलोड इस समय पर बहुत ज्यादा लेंगे, जिसकी वजह से आपको अच्छे परिणाम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी स्ट्रांग होगी, यानी आपका जो धन है वो रुकेगा इस साल। और इसके अलावा आपको जो मॉनेटरी गेन्स है वो बहुत ज्यादा होंगे, यानी पैसों की वर्षा हो सकती है आपके लिए इस वर्ष। तो मिथुन राशि वालों के लिए करियर के हिसाब से ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जो मान सम्मान अच्छा पद प्रतिष्ठा चाहते हैं वो सब भी आपको इस वर्ष प्राप्त होगी। वहीं पे हम बात करें आपके लव रिलेशनशिप की, आपके पारिवारिक जीवन की, तो देखिए साल की शुरुआत जो है थोड़ी सी नोक झोंक से हो सकती है, मगर सपोर्ट आपके पार्टनर से आपको पूरा मिलेगा। वहीं पे जो सिंगल्स हैं उनके लिए ये साल काफी हद तक अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग एक नए बंधन में बन सकते हैं। जी हाँ, आपका विवाह इस वर्ष होना संभव दिख रहा है। वहीं पे अगर हम विवाहित जीवन की बात करें तो थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, हालांकि साल के मध्य तक चल के, यानी अगर हम देखें तो अप्रैल से लेकर के और सितंबर तक का जो समय होगा मिड का, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए उतार चढ़ाव वाला हो सकता है जो लोग विवाहित हैं, मगर सितंबर के बाद से चीजें जो है धीरे धीरे करके अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो आपके पार्टनर के साथ, आपके मैरिटल पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ जो बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, वो वापस से बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत नोकझोंक होती भी है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे आपके स्वास्थ्य की अगर बात करके चलें तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इस वर्ष भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वर्ष आरंभ होगा यानी जनवरी से लेकर के मार्च में ही, तभी आपको कोई ना कोई परेशानी उभर सकती है, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हो सकता है 2020 का जब वर्ष समाप्त हो तो कोई ना कोई पहले से ही आपके अंदर परेशानी हो रही हो, जो कि वर्ष शुरुआती में ही उभर के निकल सकती है और आप शुरुआती साल में बीमार हो सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वहीं पे अगर साल के मिड की बात करें, यानी 2021 के मिड की बात करें, तो इस समय पर आपको स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ सकती है, काम के वर्कलोड की वजह से भी हो सकता है ये, और इसके साथ साथ आप जो हर तरह का स्ट्रेस लेंगे, चाहे अपने पारिवारिक जीवन में, चाहे अपने रिश्तों को लेकर के, चाहे पैसों को लेकर के, उस वजह से भी स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रख करके चलें कि बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, इन चीजों से दूर रहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित साल के अंत में, यानी जो आपका अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का टाइम रहेगा, इसमें भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो समय रहेगा कहीं ना कहीं आपको टाइफाइड या फिर जॉइंटिस जैसी परेशानियां दे सकता है। तो इसीलिए खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली ये जो है आपको साल के शुरुआती दौर से ही ध्यान रखना है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो लिवर से संबंधित या स्टमक से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप कहीं भी खाते पीते हैं, स्पेशली बाहर का बिल्कुल अवॉइड करना है, और अगर किसी भी प्रकार का आप बाहर खाते पीते भी हैं तो बहुत ही साफ सफाई से खाना है, किसी भी
नॉर्मल या लोकल जगह से नहीं खाना है जिससे आपको लगे कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वहीं पे आप लोगों को इस समय पे अगर मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप लोगों के लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा और जो परेशानियां होंगी वो भी धीरे धीरे करके आपकी समाप्त होंगी। तो कुछ इस तरह का रहेगा आप लोगों का नया साल। मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पिछले 2-3 सालों से आप कोशिश कर रहे थे कि आपको नहीं मिल पा रहा है, वो चीजें आपको इस वर्ष जरूर मिलेंगी। तो काफी हद तक 2020 से तो आपका 2021 बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वेट फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज और इसके साथ ही साथ आप इस साल ग्रो भी करेंगे, तो ये साल अच्छा जाएगा आपके लिए। और भी ऐसे ही राशियों के बारे में बात करेंगे। देखते रहे यूट्यूब मेरा, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।